हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रेहान और आप देख रहे हैं मोबाइल सॉल्यूशन एसी। दोस्तों, YouTube की दुनिया में मेरा ये पहला वीडियोस है और मैंने जो चैनल क्रिएट किया है उसका मकसद भी यही है कि लोगों को मोबाइल से संबंधित जानकारियाँ प्रदान करना, जानकारियाँ देना उन्हें, ताकि आप जानते हैं कि हर घर तकरीबन मोबाइल जो है चला रहा है और मोबाइल में समस्या भी हर घर पे आती है और ज़्यादा इशू बन चुका है ये कि मोबाइल जो फॉल्ट आप आ रहे हैं मोबाइलों के अंदर, बहुत से ऐसे फॉल्ट मोबाइलों में ऐसे हैं कि जो हम और आप घर पर ही उसको सही कर सकते हैं। इधर उधर गली के पास, दुकानदार के पास ले जाने के बजाय आप घर पर सही कर सकते हैं, लेकिन जानकारी ना रहने की वजह से वो इंसान जो है दुकानदार के पास जाता है और दुकानदार उनसे ज़्यादा पैसे वगैरह वसूल कर लेते हैं। तो इसीलिए मैंने इस चैनल को क्रिएट किया है ताकि आप लोग जो भी मोबाइल से रिलेटेड है और संबंधित जो भी क्वेश्चन है और उसके सवाल हैं आप हमसे इजीली पूछ सकते हैं, बिल्कुल इजीली उसका जवाब दिया जाएगा और केयरफुली जवाब दिया जाएगा और बढ़िया तरीके से उसको बताया भी जाएगा कि आप इस तरह से काम करें, ऐसे ऐसे करें, ताकि आप मोबाइल को अपने ठीक भी कर सकें और अपने पैसे भी सेविंग कर सकें। अगर माइक्स और छोटे छोटे फॉल्ट एक होते हैं वो आ जाते हैं, बहुत कम ऐसा होता है कि मोबाइल की पावर आईसी या POFO आईसी या जो है नेटवर्क आईसी जो है शॉर्ट हो गई हो या वो ख़राब हो गई हो। एक बात जहन में रख लें, 75% ऐसा होता है कि आईसी ख़राब नहीं होती है, आईसी के बाद सारी चीज़ें जो कंडेंसर, डायोड, ट्रांजिस्टर, रेजिस्टेंस वगैरह लगे रहते हैं वो छोटे छोटे फॉल्ट वगैरह आते हैं, उसी की वजह से ये सारे मामले आते हैं। बहुत से हमारे भाई ऐसे भी हैं कि मोबाइल गिर जाता है, चूँकि डिस्प्ले तो सही है लेकिन खाली स्क्रीन टूटी हुई है, तो टच अलग से आता है और डिस्प्ले आपका वही लग जाएगा, लेकिन अब पूरा फोल्डर बदलने में 1500 से 1800 रुपये तक का जो चार्ज कर लेते हैं और ये सब जो है जानते भी नहीं है टूटा क्या है, बदलना क्या है, करना क्या है। तो इससे संबंधित आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मेरा मोबाइल फला मोबाइल है और इस तरह से आप उसका फ़ोटो वगैरह भी आप कमेंट कर सकते हैं, भेज सकते हैं, ताकि उससे पता चल जाए कि क्या उसमें टूटा है, क्या ख़राबी है, क्या नहीं ख़राबी है, क्या करें हम, कितने का आएगा, ये सारी चीज़ें हम आपको इसी मोबाइल सॉल्यूशन इजी के माध्यम से हम आप तक पहुंचाएंगे। ये चैनल बनाने का मकसद यही है ताकि आप लोग मोबाइल को लेकर के परेशान ना रहें, कि मोबाइल से रिपेयरिंग से परेशान हो जाएं, मोबाइल के फॉल्ट से परेशान हो जाएं, मोबाइल के जो है बनवा बनवा के थक जाएं। बिल्कुल इजी बाय इजी इस पर स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया जाएगा कि करना क्या है। आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई भी दूंगा और ये मैं वीडियो अब इसके बाद से वीडियोस में डालूंगा स्टेप बाय स्टेप, छोटे मोबाइलों के सीसी बीसी या जो है माइक, रिंगर, स्पीकर जो भी मैं बना करके दिखाऊंगा आप लोगों को कि किस तरह से बनाया जाता है और इजी एकदम ईस वे। आप चले जाए यूट्यूब के अंदर तो बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, इस तरह से वीडियो बहुत पड़े हुए हैं, लेकिन लोग बताते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं, ये मसला है इसके अंदर, बताते कुछ और। अच्छा, जो वीडियो आप मोबाइल सॉल्यूशन इजी पे पाएंगे वो लाइव पाएंगे और आपको बिल्कुल शुरू से लेकर के एंड तक आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या उसमें किया है और आपको कैसे उसमें क्या करना है। ये सारी चीज़ें आप इजी बाय इजी आप पा जाएंगे इसको, और ये मकसद भी यही है मेरा जो है कि लोगों को हेल्प करना। जो लोग दूर दरार रहते हैं और जो और परेशान हो जाते हैं अपने मोबाइलों से लेकर के, मोबाइल से संबंधित लेकर के परेशानी जो आती रहती है उन्हें, उन लोगों के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल जो है वीडियो होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं वह लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेंगे, ताकि कोई भी वीडियोस जो मैं डालूं, जैसे सादे मोबाइलों का लॉक लग जाना, बड़े मोबाइलों का पैटर्न लगना, गूगल लॉक लग जाना,
या जो है पिन लग जाना, ये सारी चीज़ें जो छोटी छोटी हैं ये आप घर पर भी कुछ जो है तकरीबन 70% मोबाइलों के आप घर पर ही इसको बना सकते हैं और घर पर ही इसको कर सकते हैं। इसको लिए टूल्स की ज़रूरत भी नहीं है, आपको खोलने की भी ज़रूरत नहीं है, बस आप कमेंट करेंगे ये मोबाइल ऐसे ऐसे, मैं आप लोगों को वो सोल्यूशन देता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।